नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। वक्त है सात का समीकरण क्या है, ये समझाएं आपको कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो चुकी है। कल एमएलसी चुनाव के नामांकन से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने 36 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प ये है कि इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो सीट सहयोगी दल यानी कि आरएलडी को दी है, जिसमें बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद सीट आरएलडी के खाते में गई है। बाकी की 34 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पी प्रजापति को अमेठी सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया है, जो गायत्री प्रजापति के बड़े बेटे अनिल प्रजापति की पत्नी है। दिलचस्प तो ये भी है कि सपा ने एमएलसी रहे लोगों को इस बार मौका नहीं दिया है, जिसमें फरुखाबाद इटावा प्राधिकार क्षेत्र में आने वाले पुष्पराज जैन और पंपी जैन का नाम नहीं है। सीतापुर प्राधिकरण क्षेत्र से अखिलेश के करीबी आनंद भदौरिया का नाम नहीं है। वहीं मैनपुरी क्षेत्र से अरविंद यादव के बजाय नए लोगों को मौका दिया गया है। तो सपा की ये लिस्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 36 नामों के साथ, जिसमें दो सीट सहयोगी आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। बुलंदशहर मेरठ गाजियाबाद प्राधिकरण क्षेत्र से आने वाले दो नामों पर आरएलडी के कैंडिडेट होंगे। बाकी 34 नामों में जो अहम नाम है वो तस्वीरों के तौर पे जरा देखिए, गायत्री प्रजापति की बहू समाजवादी पार्टी की ओर से इनका नाम सामने आया है। आपको बताएं कि गायत्री प्रजापति की पत्नी सपा की ओर से विधायक बन चुकी हैं और अब उनकी बहू को भी मौका मिल रहा है एमएलसी बनने का। कम से कम कैंडिडेट बनाया है सपा ने, तो सपा ने भरोसा जताया है गायत्री प्रजापति की पत्नी पर भी देखा जाए तो एमएलसी चुनाव में उनकी बहू को भी मौका दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो गायत्री प्रजापति की पुत्रवधु एमएलसी कैंडिडेट सपा की ओर से, जिन 36 नामों का जिक्र चल रहा है, जो लिस्ट एक तरफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें एक नाम गायत्री प्रजापति की बहू का भी है। तो वहीं बीजेपी ने भी एमएलसी चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम साफ नहीं है, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, स्थानीय निकाय शामिल हैं। ऐसे में हर किसी की नजर इन 6 निकायों पर है, जब कई बड़े चेहरे मैदान में हैं। अब तक भाजपा ने वाराणसी, सुल्तानपुर, जौनपुर के अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र स्थानीय निकाय, कानपुर फतेहपुर स्थानीय निकाय और बरेली सिद्धार्थनगर से अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। देखना यह होगा कि इन 6 जगहों से भाजपा की रणनीति क्या है, किसके नाम के साथ वो सामने आएगी, क्योंकि एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा आज बचे हुए 6 प्रत्याशियों को लेकर ऐलान कर सकती है। आपको ये भी बताएं कि भाजपा ने 30 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अब तक की है, जिसमें 18 पदाधिकारी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले कई नेताओं को भी भाजपा ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने इन 30 में से 3 जगह पर महिलाओं पर भी भरोसा जताया है। भाजपा संगठन के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का दावा है कि प्रदेश की सभी 36 सीटें भाजपा ही जीतेगी। रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बिखराव है, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे बीच है बीजेपी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव की सीटें हैं ब्रज क्षेत्र में, 7 सीट हैं, उनमें से बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी और कितनी सीटें मिलने की संभावना रहेगी। जी, ब्रज क्षेत्र में 7 हैं, 7 में से 7 जीतेंगे। हमने तो कहा था विपक्ष से, और विपक्ष के बड़े नेता आदित्य अखिलेश जी से कहा था कि आपकी साइकिल खड़ी है 29 में और बाबा आ रहे हैं 22 में, और अखिलेश जी आप फिर ट्राई करना 27 में, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, तो आज नहीं आ रहे। तो ये जो आपने विधानसभा चुनाव हुए इसमें 65 में से 53 सीटें जीती गईं, अब ये जो एमएलसी का चुनाव है ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी फिर एक बार बीजेपी के सामने है, उनका गठबंधन भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 36 में से 36 जीतेंगे, ब्रज में 7 हैं, 7 में से 7 जीतेंगे। उनके साथ बिखराव है, हमारे साथ जुड़ाव। अब वो बिखराव को नहीं समझ पाए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे राजभर जी हो। मेरा मानना ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया,
और राजभर जी उनके साथ नहीं है, आंतरिक हो या बाहरी हो। इसके अतिरिक्त उनके और जो घटक दल हैं वो भी उनके साथ नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अकेले हम तक दम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यदि कोई इनको समर्थन करता है। भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए कल 30 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है। ऐसे में आज कई उम्मीदवार पार्टी दफ्तर पहुंचे, सिंबल हासिल किया। लखनऊ उन्नाव से प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने जीत का दावा किया है। के बाद बीजेपी की कोशिश है कि विधान परिषद की जो 36 सीटों पर चुनाव होने वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए, जिससे कि विधान परिषद में भी बीजेपी के पास बहुमत हो सके। 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है और अब सब लोग सिंबल लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ उन्नाव जो प्राधिकरण क्षेत्र है उससे स्थानीय निकाय के उम्मीदवार हैं रामचंद्र प्रधान जी। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद भाई साहब। 2013 में जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने बसपा छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हुए थे, इंतजार लंबा नहीं हो गया 2022 में आपको उम्मीदवार बनाया? अब हमारी बड़ी पार्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कभी ना कभी नंबर आएगा जरूर, इसलिए थोड़ा इंतज़ार हो गया, लेकिन अच्छा हो गया। ये जो चुनाव है इसमें ग्राम प्रधान, BDC ये लोग वोट देते हैं, इसमें आम जनता वोटर होती नहीं है, उम्मीद है आपको कि इनका साथ मिलेगा? भाई साहब ये देखिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोगों को चुनेंगे, तो जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा कर रही है, माननीय मोदी जी पे, माननीय योगी जी पे भरोसा कर रही है, जिसका कारण है आज 5% बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी 5% बहुमत से जीत के आए। समाजवादी पार्टी कह रही कि हम पहले भी इसमें ज़्यादा सीटें हमारे पास थी और इस बार भी 36 में ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, हमारी ऐसी तैयारी है। वो तो विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जनता है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। योगेश शुक्ला जी भी हैं, BKT से जीते हैं। योगेश जी आप तो जीता है, अब जिम्मेदारी रामचंद्र प्रधान जी को जिताने की है क्या? हम लोगों कंधों पे है, सभी कार्यकर्ताओं के कंधों पे है, ग्राम प्रधान और BD सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से वो प्रधान जी को जिताएंगे। प्रधान जी के पास पहले भी एक राजनीतिक अनुभव है, MLC रह चुके हैं और मुझे लगता है कि जो पंचायत चुनाव है उसकी भी जानकारी आपको है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा मेरा विश्वास। विधानसभा में तो बहुमत है, अभी परिषद में नहीं है बहुमत बीजेपी के पास, लग रहा है इस चुनाव के बाद बहुमत हो जाए। 12 तारीख के बाद आप देख लेंगे कि पूरा पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग। आपने सुना क्या कहना है बीजेपी के MLC पद के जो उम्मीदवार बनाए गए रामचंद्र प्रधान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे, पूरा भरोसा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भले ही जो दावा करे लेकिन इस MLC चुनाव में भी जीत बीजेपी को ही मिलेगी और विधान परिषद में अब बीजेपी का बहुमत होगा। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, EP Ganga, लखनऊ। भाजपा ने गोंडा बलरामपुर से अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह को MLC प्रत्याशी बनाया है। कल नामांकन से पहले आज अवधेश कुमार ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों और अफसरों को जायज मांगे पूरी होंगी ऐसा आश्वासन दिया। हमें आगामी MLC चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है। जिस भरोसे और विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने का काम करूंगा। उधर सीतापुर पहुंचे भाजपा के MLC प्रत्याशी पवन सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी प्राथमिकता भी गिनवाई। पर यूपी में बहुत जल्द प्रोटेम स्पीकर के नाम से पर्दा हट जाएगा। लिस्ट राजभवन भेजी जा चुकी है जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। देखना होगा कि राज्यपाल किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर?
प्रोटेम स्पीकर के लिए किसके नाम पर लगेगी मुहर? यूपी में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए 17 नामों की लिस्ट राजभवन को भेजी जा चुकी है, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय की तरफ से 18वीं विधानसभा के 17 नव निर्वाचित वरिष्ठ सदस्यों की सूची राजभवन को भेजी गई है। खबर है कि इस लिस्ट में रामपुर सीट से चुने गए सबसे वरिष्ठ विधायक आजम खान का नाम है। उनके अलावा भाजपा विधायक सुरेश कुमार खन्ना का भी नाम है, जो 9वीं बार विधायक चुने गए। सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव का भी नाम है और 9वीं बार विधायक बने अवधेश प्रसाद का भी नाम है। इसके अलावा 8वीं बार चुने गए भाजपा विधायक सतीश महाना, रमापति शास्त्री, जय प्रताप सिंह और रामपाल वर्मा का नाम भी शामिल है। तो 7वीं बार विधायक बने कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह, इटवा सीट से जीते माता प्रसाद पांडे, फतेह बहादुर सिंह और इकबाल महमूद का नाम भी राज्यपाल को भेजा गया है। इसके अलावा 6ठी बार विधायक चुने गए राम अचल राजभर, शिवपाल सिंह यादव, लालजी वर्मा और चेत राम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किसी एक वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर नामित करेंगी। इन 17 नामों में सबसे वरिष्ठ विधायक रामपुर से चुनाव जीते आजम खान है, जो 2002 के बाद से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। हालांकि जेल में बंद आजम खान के खिलाफ कई सारे मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा, लेकिन वरिष्ठ विधायकों की सूची में सबसे ऊपर आजम खान के जेल में होने की वजह से उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर सस्पेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात यूपी में नई सरकार के गठन की। प्रचंड जीत के बाद लगातार भाजपा का लखनऊ से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। अब वक्त नजदीक आ चुका है, हर एक राज से पर्दा उठेगा। जानकारों की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में नई सरकार का गठन करने जा रही है। खबर है कि 23 मार्च को यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह रघुवर दास यूपी आएंगे, वहीं 24 मार्च को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के कई पदाधिकारी अयोध्या, काशी, मथुरा और चित्रकूट के संतों को भी बुलाने की तैयारी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा जा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही इंतजार शपथ ग्रहण का हो रहा है और अब 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लखनऊ का ये जो अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम है यहीं पर होना है और यहाँ देखिए किस तरीके से तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, आम लोग भी होंगे, जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के वो लाभार्थी भी होंगे और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो VVIP हैं, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसे बहुत भव्य और यादगार बनाने की तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि उस दिन यहाँ मौजूद रहेंगे जब योगी कैबिनेट, योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, योगी 2 का शपथ ग्रहण होगा, तब खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की है। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री समेत टीम के सभी लोगों ने सीएम से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। तो देखिए, इस मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके क्या कहा है वो भी देखिए आप। द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता व आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निसंदेह यह चलचित्र समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसे विचारोत्तेजक फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं।